मिली जानकारी के अनुसार आबकारी अधिकारी को सूचना मिली कि सिरसौद रोड पर एक बोलेरो कार में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। 14 मार्च को रात्रि 10 बजे मैदल के साथ आबकारी अधिकारी पहुंचे और उन्होंने चेकिंग चालू कर दी। कुछ समय चेकिंग करते रहे, तभी तेज रफ्तार में एक बोलेरो कार आती दिखी। उसे रोका, उसमें 14 पेटी देसी शराब की और एक हाथ भट्टी मिली। गाड़ी सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवपुरी जिला आबकारी अधिकारी बीरेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि अमोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोलेरो कार को जब्त किया गया है। उसमें 14 देसी शराब की पेटियां, एक हाथ भट्टी शराब जब्त की गई है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम सुधीर गुप्ता पुत्र चंद्रभान गुप्ता बताया गया है। शराब की तस्करी सलैया से अमोला की ओर जा रही थी। गाड़ी और शराब की कीमत लगभग 80 लाख आंकी गई है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आगे जांच में जो भी पाया जाएगा उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। रात को लगभग 10-11 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी, उसके तहत कार्रवाई करते हुए अमोला थाने के आसपास भरत करेरा में एक बलेनो कार से अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। उसके तहत भरत प्रभारी करेरा बिनी शर्मा के द्वारा बलेनो कार सेट जो कि यूपी रजिस्टर्ड है, उसमें 14 पेटी प्लेन और कुछ हाथभट्टी शराब, सुधीर गुप्ता जो गाड़ी को चला रहे थे और सुधीर गुप्ता चंद्रभान गुप्ता के नाम से, इसमें अगर टोटल शराब देखें तो लगभग 140 बल्क लीटर शराब और शराब एवं गाड़ी की लगभग कीमत देखें तो 8,45,000 के आसपास कीमत रही। शराब की कीमत कितनी है? शराब की कीमत 45,300। इस पर पहले भी कोई आरोप है सर? पहले भी ये पूछताछ में कुछ बताया इनने? नहीं, अभी पूछताछ में तो वो बता रहे हैं कि हम पहली टाइम ही कर रहे हैं और जांच, चूँकि इनिशियली पूछताछ है अभी और जब पूरी प्रकरण की जांच होगी तो और पता चलेगा। तो कहाँ से लेके आ रहे थे साहब, ये कुछ बताया? अभी तो ये बता रहे हैं कि सलैया से लेके आ रहे हैं, लेकिन और जब पूरी जांच होगी तो तभी और पुख्ता पता चलेगा किस जगह से लेके आए, कहाँ भेज रहे थे। अभी तो इनिशियल सिर्फ इनके ही द्वारा बताया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।